शायद किसी चीज़ का हवन चल रहा है यहाँ पे। मेरे हिसाब से ये शादी के लिए होगा। ये यहाँ का आंजनेय मंदिर कहा जाता है इसे। हेलो जी, सबको गुड मॉर्निंग। और जो जो बेंगलोर से पीपल देख रहे उनको नमस्कार, एल्लर्ग वेलकम। नंद वीडियो दाग नानी निम्द फ्रेंड योगी बंदिर निम सिटी वंद एपिसोड शूट मार लग। तो कल रात का थोड़ा सा अपडेट देता आपको कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि मैंने बस स्टॉप पे वीडियो एंड कर दिया था। तो उसके बाद मैं वहाँ पे खड़ा रहा बहुत टाइम तक, कोई बस मिल नहीं रही थी और यहाँ का बस का सिस्टम भी बहुत ही बेकार था, यूँ कहो थर्ड क्लास था, क्योंकि बस मिल नहीं रही थी। मैंने बात किया तो वो ठीक से बात भी नहीं करते, अभी लैंग्वेज इशू हो सकता है, तो ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे मुझसे। तो मैंने कैसे वैसे करके उनसे बात की, उन्होंने मेरे को एक बस में चढ़ा दिया। वो बस भी मुझे लगभग गलत जगह पे लोकेशन पे उतर दिया। मैं उनको पहले ही कहा था कि मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं है भाई, ज़रा बता देना, मेरा स्टॉप आने के बाद उतर देना। तो उसने देखा ही नहीं, मैंने मैप चालू किया था इसलिए, जिससे मुझे थोड़ा लगा कि मैं जा रहा हूँ गलत जगह में जा रहा हूँ। तो देख लिया वहाँ पे, तो उसको उतर दिया। फिर उधर मैं जो होस्ट है उनसे बात किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा ठीक है एक काम करो, आपका लोकेशन भेजो, मैं देखता हूँ कौन सा है कैसे। तो उन्होंने लोकेशन देखा, फिर एक आजू बाजू वाला रिक्शा वाला था उसको बताया कि प्रॉपरली मुझे कहाँ छोड़ना है। तो रात के लगभग 12:30 बजे मैं होस्ट के घर पे पहुंच गया था। आते ही मैं सो गया मुझको मतलब बहुत टायर्ड हो गया था, क्योंकि सुबह 4:30 बजे से मैं ट्रैवलिंग कर रहा था। तो लगभग 1 बजे यहाँ पे पहुंच गया था मैं, मतलब 1 बजे 12:30 पहुंच के थोड़े से उनके साथ बातचीत हुई, फिर 1 बजे मैं सो गया। ये नाश्ता है आज का मेरा सुबह का, कुछ लेमन राइस बोल रहे थे इसको, तो अब ये खाता हूँ। आज का टारगेट तो मेरा ज़्यादा कुछ है नहीं है, क्योंकि मैंने ठाना था कि जब पहले दिन मैं आऊँगा जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही लोकेशन है जहाँ पे मैं पूरा हिस्ट्री शेयर कर दूँगा तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तो एक दो लोकेशन और मिल रहा है क्या उस समय का, 1600 में का, तो एक दो जन से पूछूँगा। उससे पहले स्क्रिप्टिंग, अभी जो मंदिर मैंने दिखा ना वहाँ पे जाऊँगा मैं, थोड़े से स्क्रिप्टिंग जो है वो पूरी तरह से कम्प्लीट करूँगा, फिर बाकी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा। उसके बाद जो होस्ट है मैं उनसे भी मिलाता हूँ, सुबह मिलने मतलब मिलाने को चांस नहीं मिला, वो भी ज़रा जल्दबाजी में थे। बाकी अभी खाने के बाद बोलता हूँ, बहुत भूख लगा है मेरे को। ये बारिश पीछा क्यों नहीं छोड़ रही पता नहीं यार, घड़ी घड़ी गिरती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। तो अभी मैं उसी टेंपल में बैठ के अपना जो स्क्रिप्टिंग है वो कर रहा हूँ। तो जहाँ पे मैं नाश्ता करने के लिए रुका हुआ था, तो वहाँ पे एक ऑटो वाला मिला था, तो उसने मुझे एक का नंबर दिया जो हिस्ट्री की चीज़ें उसको बहुत सारी पता है। तो मैंने उनसे कॉल किया, ठीक से कॉल लगा नहीं, तो मैं बोला पहले ये हाथ में का काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद उनको फ़ोन करके गाइडेंस लेते हैं कौन से प्लेसेस यहाँ पे उस वक्त में थी। तो अभी ये बारिश कुछ सुधरने नहीं दे रही कुछ काम में। देखो जहाँ पर मैं बैठा था वहाँ पर बारिश सब देखो कितना भी बिगड़ा है, और 4 दिन ऐसी बारिश होने वाला है मुझे ऐसा समझ में आया। अभी देखता अभी क्या करने का, अगर ऐसा चलेगा तो शायद यहाँ पे मुझे करने को ही नहीं मिलेगा। ये दिन से पूरी शाम हो गई है, शाम के लगभग 6:15 बज गए। तो मैं यहीं पे बैठा हुआ था, वीडियो भी एडिट कर लिया मैंने जो ट्रैवलिंग वाला है, वो आपने अगर नहीं देखा होगा तो वो जाके देखो। तो अभी जो होस्ट थे मेरे उन्होंने मुझे लोकेशन भेज दिया, उन्होंने कहा था मुझे 6 बजे तक स्वामीनारायण टेम्पल है वहाँ पर आ जाओ, तो वहाँ पर एक फंक्शन है आज उनका, तो मुझे वहाँ जाना है। अभी उनको उन्होंने लोकेशन भी भेज दिया, अभी जाता हूँ मैं वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद अभी यहाँ पे था एक ये चल रहा था, कुछ क्लासिकल डांस का प्रोग्राम था शायद, मैं देखने के लिए रुकेंगे सोच रहा था, लेकिन देखते अभी उधर जाएंगे। आपको होस्ट से भी तो मिलाना है दोनों से, बाकी मैं होस्ट के बारे में आपको वहाँ जाने के बाद बताता हूँ। तो अभी देखते यहाँ से, बारिश ने बहुत यार बहुत
ठंडी भी बज रही है और उसमें बारिश की वजह से भीगने के बाद तो और अलग ही है। एपिडो बुक किया था मैंने, तो वो लगभग यहाँ से कुछ 1-1.5 किलोमीटर पे ही था राइडर, तो उसको ऑर्डर गिरा, वो यहाँ से ऐसे गुजर मेरे सामने से गया। मैं उसको फ़ोन लगा रहा हूँ, तब तक वो आगे निकल गया। आखिर निकलने जाने के बाद बोलते नहीं अभी ड्रॉप नहीं हो सकता है। मैंने बोला यार फिर ऑर्डर क्यों तूने एक्सेप्ट किया है, अभी वो ऑर्डर कैंसिल होगा, अभी देखेंगे किसी दूसरे को ऑर्डर गिरता है या ना, फिर ऑटो से जाता हूँ, अभी क्या करें यार। ये रैपिडो कल रात को भी यही हुआ, कल रात को तो कोई राइडर मिल रहा भी नहीं था, अभी मिला तो ऐसा मिला है। मल्लीनाथ ओके 4247। चलो फाइनली आ गया भाई अपना राइडर। हाँ नहीं वो पहले वाले ने क्या किया, यहाँ से ही चला गया, गुजर गया और आगे जाके बोलता नहीं ये ड्रॉप नहीं होगा, कैंसिल करना पड़ेगा। लोकेशन पे पहुंच गए, ये अपने राइडर है। पहली बार मैंने रैपिडो से राइड की है, अभी देखता हूँ मैं उनको फ़ोन करता हूँ, किशोर मामा को, वो यहीं पे है तब से। श्री स्वामीनारायण भगवान जय स्वामी जय। तो जस्ट अभी मूर्ति स्थापना हुई है, शायद आज ही उनका मूर्ति स्थापने का दिन था, तो बहुत अच्छे दिन पे आया हूँ मैं। अपना बप्पा बैठे देखो उधर, प्रभु रामचंद्र जी और अपना दोस्त काना। आज के यहाँ पे महाप्रसाद में ये सारी चीज़ें। मंदिर से हम निकल गए, अभी जा रहे हैं, मामा जी गाड़ी चला रहे, घर को जा रहे हैं हम वापस। गुड मॉर्निंग जी, आज दूसरा दिन है बेंगलोर में मेरा, अभी पीने के लिए वार्म वाटर बनाना। हैरी भाई और किशोर मामा तो सो गए, थोड़ी देर में उठा दूंगी कि लगता है आज भी कुछ होने के जैसा चांस नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रुकना भी ठीक नहीं है, तो यहाँ से आज निकलने को देखूंगा मैं। तो ये था दो दिन के लिए अपने पास रहने के लिए। यहाँ पे मेरा बेड था, यहाँ पे मैं एकदम गद्दे पे सोता था। हैरी भाई वहाँ पे सोए, मिला तो आपको थोड़ी देर में। ये देखो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही यार, कैसा होगा क्या मालूम यार। मामा जी ने भी कल भी हमको चाय बना के बिस्कुट खिलाया था, तो आज सुबह भी यही है। मिला तो आपकी थोड़ी देर में, दोनों से मिला था आपको, वो रेडी हो रहे हैं अभी। दिखे तो ये है हरी भाई जिसने अपने को होस्ट किया था दो रातों से, तो थैंक यू, वेलकम। तो अभी देखेंगे, तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। हाँ मामा जी अभी थोड़े से शर्मा रहे वीडियो में आने के लिए, ये रुके यहाँ पे रुके, इन्होंने अपने को दो दिन एकदम अच्छी से चाय पिलाए। तो निकलता हूँ अभी यहाँ से, बहुत मतलब थोड़ा सा बारिश कम दिख रहा है, लेकिन देखते अभी कैसा होता है। ये था अपना, यहाँ से मैंने वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पे, अगर आपने मुझे फॉलो कर लिया था तो समझ में आता था आपको, तो ये अपना ठिकाना था। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जिससे आपको मेरा जो अपडेट है वो रियल टाइम पता चलेगा, अभी के वक्त में मैं कहाँ हूँ क्या कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें पता चलेगी। तो मेक श्योर मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये सामने जो आ रहा है वो मेरा इंस्टाग्राम आईडी। चलो अभी अरे मेरे को छोड़ रहा है थोड़े दूर, तो वहाँ तक जाते हैं, अभी आगे के देखते कैसे होता है। अब कहीं थोड़ा थोड़ा सूरज मामू दिख रहा है, तो मुझे लगता है अभी बेंगलोर फोर्ट में जाके कर लेना चाहिए वीडियो। तो अभी देखता हूँ मैं यहाँ से रैपिडो बुक करता हूँ, फटाक से जल्दी जाके वहाँ पे जितना वीडियो लेने का मैं सोच रहा हूँ उतना ले लेता हूँ।
और हरी भाई ने भी कहा कि देखो 5 मिनट रुक जाओ, मेरा एक काम है यहाँ पे, वो अगर हो जाएगा तो मैं उसके आसपास छोड़ दूँगा, तो खाने तक उतना भी टाइम हो जाएगा, खाने के बाद उसको फ़ोन करता हूँ, फिर देखता हूँ, अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर रैपिडो करके निकल जाता हूँ। वैसे धूप खिल गई अभी। चलो सुन लिया मेरे भगवान ने, सुन लिया भाई, अपने को एकदम जैसा मौसम चाहिए था वैसा दे दिया, सिर्फ पूरा शाम तक ऐसा मौसम होना चाहिए। यहाँ से निकलते बैंगलोर फोर्ट लगभग 4.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और सच में यार बैंगलोर में ट्रैवलिंग बहुत एक्सपेंसिव है। पहुंच गया पहले प्लेस पे, कुछ इस तरह से एंट्रेंस है इसका। तो चलो अभी टाइम मिला तो सबसे पहले अपना जो हिस्ट्री रिकॉर्ड करना है वो कर लेते, बाकी का बाद में देखते। बैंगलोर में तो अपना काम होने जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो अंदर गया मैं, व्लॉग निकाल रहा था, तो वो जो सिक्योरिटी वाला है वो आके मेरे पास, मतलब उसने मुझे रोका। मैंने बोला उसको भाई कि मुझे ऐसा ऐसा वीडियो निकालना है कि हिस्ट्री चैप्टर बना रहा हूँ, तो उसने कहा नहीं नहीं आपको यहाँ पे सिर्फ फोटोग्राफी अलाउड है, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं, अगर वीडियोग्राफी निकालना है तो जाओ इधर जाओ उधर जाओ, उधर जाके परमिशन निकालो। अभी वो मैं यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर होता तो कुछ बात कर सकता था, लेकिन अभी कुछ होने जैसा दिख नहीं रहा है। पहले बारिश का प्रॉब्लम, अभी परमिशन का प्रॉब्लम। अभी एक काम करता हूँ, सीधा अभी यहाँ से निकल जाना ये ठीक लग रहा है मुझे, देखते अभी एक दो चीज़ें यहाँ पे घूम लेता हूँ, अभी आया तो घूम लेता हूँ, जो चीज़ करने को मिल रहा था वो तो नहीं मिल रहा है। अरे बहुत जान दो। चलो तो अभी मेरा बंगलोर सिटी में थोड़ा सा वॉकिंग हो रहा है। मैंने अभी 2-3 लोगों को हाथ दिखाया है, टू व्हीलर वालों को, फिर मेरे दिमाग में बत्ती जली, अरे यार हाँ यहाँ पे पीछे वाले बैठने वाले को भी हेलमेट लगता है, इसलिए मेरे को लिफ्ट नहीं मिल रही, नहीं तो अभी तक मैं गवर्नमेंट म्यूजियम में पहुँच जाता था, तो अभी वॉकिंग का भी मज़ा ले लेते इधर। अभी थोड़ी हल्की हल्की बारिश गिरना चालू हो गया है, ठीक है, अभी म्यूजियम भी ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही दूर है। लो जी चलते चलते हम पहुंच गए म्यूज़ियम के पास, अभी जाते हैं अंदर की कुछ हिस्ट्री जो है यहाँ की कुछ मिलती है क्या अपने को देखने के लिए, चलो देखते हैं। तो ये एंट्रेंस पे कुछ इस तरह से लगाया हुआ है, अभी यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगा आपको। ये यहाँ पे कुछ एंटीक से बहुत पुराने मिले, उस जमाने का
लोहे का चमचा, ये पता नहीं अभी क्या है। इवोल्यूशन ऑफ ब्रिक एटीएम, बाकी सब यहाँ पे वो प्राचीन प्राचीन चीज़ें ही हैं, छोटी छोटी हैंडमेड उस ज़माने में। अभी एग्जैक्ट कब का है समझ में नहीं आ रहा है। मोहनजोदारो के वक्त की है। अच्छा ये देखो पत्थर का घंटा, ये वेपन से ये बंदूक है उस जमाने की। गोला तोफमे का, गन पाउडर होल्डर है वो कोने में का। तो फिर पुराने ज़माने की, अभी पता नहीं ये क्या है लेकिन 450 ईस्वी 450 में गए, उस वक्त में ऐसी चीज़ें लिख के रखा करते थे। ये चीज़ें मथुरा से मिली हुई है। राजा महाराजाओं का डाइनिंग टेबल खाने का, ऊपर की साइड का आया। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी, 19th सेंचुरी का पेंटिंग है ये, और कलर्स इतने सही दिख रहे ना, सही है एकदम। ये पेंटिंग मैसूर स्टाइल से, मैसूर स्टाइल की। ये रामायण के टोटल एक 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 फोटो में चीज़ें बताई गई है, रामायण का है सब इसमें, कैसे हुआ क्या हुआ। ये 64 नयनरास ऐसा कुछ बोलते, किसको पता होगा तो बताओ यार ये डेफिनेट एग्जैक्टली है क्या। ये श्री कृष्ण भगवान की तस्वीर बनी हुई है मैसूर स्टाइल में उनकी 8 पत्नियों के साथ। बीकानेर स्टाइल कुछ तो है, अभी मुझे भी पता नहीं है क्या है। ये डेक्कन स्टाइल का कुछ तो है, मिनीचर पेंटिंग।
यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखी और बहुत ही सही थी यार। मतलब पत्थरों पे ऐसे ऐसी चीज़ें जो है ना बहुत पुरानी पुरानी है, चोला साम्राज्य की भी है और बहुत सारे जो भगवान है उनकी भी है। म्यूज़ियम सही में देखने लायक है। सिर्फ बुरा इसलिए लग रहा है मुझे क्योंकि यहाँ पे मराठा साम्राज्य का कुछ मिला नहीं मुझे जो आपके साथ में शेयर कर सकता था। तो अभी ये वीडियो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा हो गया है, तो इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं। अभी इसके बाद क्या हुआ है वो अगर जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। अभी इसके क्या बाद क्या होगा वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप इन्जॉइंग।